जनाब आप देख सकते हैं इस वक्त नक्शे जहां स्क्वायर पर मेरी बैक साइड पे इधर रेनबो भी अभी निकला था वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये रेनबो नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान के तारीखी शहर इस्फहान में। इस्फहान तहरान से तकरीबन 440 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कल हम आए, यहाँ पे 4 से 5 घंटे में पहुँचे हैं। मोटरवेज़ इनकी बनी हुई हैं और रात को पहुँचे तो बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, बल्कि शाम के टाइम से हो चुकी थी। इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पर नक्शे जहाँ स्क्वायर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी तारीखी मकामात हैं। इस वक्त मैं अपने होटल में मौजूद हूँ। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा, इनकी जो गलियाँ हैं, जो सबसे बेहतर चीज़ मुझे पसंद आई ईरान में वो ये है कि इनकी सड़कें और गलियाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं। अब या तो ये लोग गंद पता नहीं फेंकते नहीं हैं, या सफाई वाले पता नहीं किस टाइम आते हैं, सफाई वाले भी कोई नज़र नहीं आया। आप देख सकते हैं इनकी सड़कें और लोग गाड़ियाँ किस तरह डिसिप्लिन से पार करते हैं, यहाँ पर हर जगह आपको ऐसा ही नज़र आएगा। ये सारी स्ट्रीट्स रात को बाज़ार हैं, लाइट्स ऑन होती हैं, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे मंजर होता है। मैं रात के व्यू भी आपको यहाँ के शेयर करूँगा। तो अभी हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले नक्शे जहाँ स्क्वायर जाएंगे, जो काफ़ी बड़ा एक तारीखी जगह है, उसकी मज़ीद डिटेल भी मैं आपको दूंगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल मसाजिद, चर्च और इस तरह की चीज़ें हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनका जो आर्किटेक्चर है वो काबिले दीद है, ज़रूर एक बार देखें। और ज़िंदगी में अगर आपके पास मौका हो तो एक बार ईरान का ज़रूर विज़िट करें। हर शहर, हर जो मकाम है और हर बिल्डिंग है एक से बढ़कर एक है। और क्या आर्ट है, क्या कारीगरी है पर्शियन ईरानियों की, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने जो है एक हैरान हो जाते हैं यहाँ पे आके। What an amazing art! अभी हम जा रहे हैं लुत्फुल्ला मॉस की साइड पे, और इस टाइम हम नक्शे जहाँ के अंदर जो बाज़ार है उसमें से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे एंटीक्स और इनके कल्चर से रिलेटेड काफ़ी खूबसूरत चीज़ों की शॉप्स हैं, जिसके आप बैक साइड पे देख सकते हैं सारी एंटीक्स रखी हुई हैं। बारिश हो रही है बाहर की साइड पर और मौसम भी काफ़ी ठंडा है, मैं जैकेट भी नहीं पहन के आया कमरे से।
अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप देख सकते हैं इस वक्त नक्शे जहां स्क्वायर पर मेरी बैक साइड पे इधर रेनबो भी अभी निकला था, वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये रेनबो नज़र आ रहा है और ये राउंड पे आया हुआ था, सन फिर पीछे चला गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक तारीखी मकाम जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भी इसको रजिस्टर किया अपने पास, बहुत बड़े एरिए पे फैला हुआ ये तारीखी मकाम, जिसमें इस साइड पे मस्जिद है, इस साइड पे ही मस्जिद है और ये सारा चारों तरफ बाज़ार हैं, उसके अंदर गलियां, उसके अंदर भी शॉप्स हैं और इसकी तारीख जो है बहुत ही पुरानी, आलमोस्ट 450 ईयर्स अगो द रूलर वाज शाह अब्बास के टाइम में तामीर हुआ था। इसका फन तामीर और यहाँ का आर्किटेक्चर और जिस तरह ये पीछे मेरी मस्जिद है लुत्फुल्ला मॉस्क और इस साइड पे इमाम मॉस्क, अगर आप इसके अंदर जाएं, इतने बड़े बड़े हॉल पर मौजूद हूँ। इस्फहान की सबसे तारीखी मस्जिद जो कि 1100 साल पुरानी इसकी तारीख है, इसकी बुनियाद रखी गई और टाइम टू टाइम इसके ऊपर काम किया गया और फाइनल इसकी जो है आपके सामने, ये मेरे पीछे जो मेन गुंबद और मेहराब है और इसी तरह काफ़ी बड़ी मस्जिद है और काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, इसके साइड पर मार्केट भी है, तो इट्स ऑलमोस्ट 1100 ईयर्स अगो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नक्शे जहाँ स्क्वायर और यहाँ से आप तो देख सकते हैं कि सारा जो व्यू है नक्शे जहाँ स्क्वायर का नज़र आ रहा होगा। मेरी बिल्कुल बैक साइड पे लुत्फुल्ला मॉस्क है, अब यहाँ का हम विज़िट करेंगे और काफ़ी खूबसूरत और अमेजिंग प्लेस है वाकई, किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्फहान नक्शे जहाँ, सो दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग सिटी ऑफ ईरान एंड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ ईरान। आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त यहाँ का लैंडस्केप है और नीचे जो ये बना हुआ है नक्शे जहाँ स्क्वायर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रजिस्टर्ड है।